गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर सी थ्री को देखेंगे और इसके अंदर जो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर है ट्वेल्व। पेपर सी थ्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका टॉपिक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कि सुविधाजनक शिक्षण अधिगम वातावरण, इसके प्रमुख बिंदु एवं चिंता का विषय। यानी कि शिक्षण अधिगम के समय किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए क्लासरूम में, या जहां पे भी शिक्षण अधिगम का कार्य चल रहा हो वहां पे किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए वहां का, तो उसी के लिए हम लोग उसके प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे और उस शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो चिंता का विषय है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो समस्याओं को इंगित करते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस पेपर सी थ्री में चैप्टर नंबर 12 सुविधाजनक शिक्षण अधिगम वातावरण प्रमुख बिंदु एवं चिंता का विषय इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आगे बिंदुवार टॉपिक वाइज सब देखेंगे। तो इस जो चैप्टर नंबर 12 में जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है शिक्षण अधिगम वातावरण, यानी कि टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट। यानी कि शिक्षा का कार्य किसी भी जगह पे हो, शिक्षा ग्रहण करने का काम या शिक्षा प्रदान करने का काम किसी भी जगह पे हो, वहां के किस चीज के लिए हम लोगों को डिस्कस करना है, वातावरण, वहां का इन्वायरमेंट क्या हो, वहां का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जहां भी शिक्षा ग्रहण करने का काम चल रहा हो या किसी भी जगह पे शिक्षा प्रदान करने का काम चल रहा हो, तो उस शिक्षण कक्ष की या उस शिक्षण कक्ष स्थिति की वातावरण एक्चुअल इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षण अधिगम वातावरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला बिंदु है वो है कि सामाजिक संवेगात्मक वातावरण, यानी कि द सोशियो इमोशनल क्लाइमेट। यहाँ पे सोशियो का मतलब सामाजिक और इमोशनल का मतलब संवेगात्मक। यानी कि जब किसी भी समाज में जब वहां का समुदाय या वहां का समाज या वहां का प्रत्येक व्यक्ति जब पूरे सामाजिक रूप से और अपने इमोशनल के साथ शिक्षण अधिगम करने के लिए तत्पर होता है, तो उस जगह का इन्वायरमेंट जो है, उस जगह का जो वातावरण है, ऑटोमेटिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने का ताकत रखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा समाज है जहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और वही कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा ग्रहण नहीं करें, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे शिक्षण अधिगम का जो ये प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और प्रभावित होने से तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम का कार्य पूर्ण रूप से सही तरीके से या सही वे में सही रास्ते पे नहीं चल पाएगा, जिससे क्या होगा कि वहां के बच्चे, वहां के समाज, वहां के समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो सामाजिक संवेगात्मक वातावरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो संपूर्ण रूप से संपन्न तभी हो पाएगा जब कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की परिस्थितियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुरूप हो। क्योंकि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुरूप अगर कोई कार्य को हम लोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे या जो भी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से या हम कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो जो ये पहला बिंदु है सामाजिक संवेगात्मक वातावरण यानी कि द सोशियो इमोशनल क्लाइमेट, शिक्षण अधिगम वातावरण को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और वह पॉइंट है कि
कि उचित शिक्षण सामग्री और सुविधाओं का प्राप्त होना। ये बात भी सही है कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही रूप में हम लोगों को आगे बढ़ाना है तो उस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उचित शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग एड और सुविधाओं का प्राप्त होना, यानी कि जो भी बेसिक नीड्स है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जो भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा होना चाहिए। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट टीचर लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज, यानी कि अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं हो टीचर के पास, या हम कह सकते हैं कि जो भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो सही रूप में नहीं हो पाएगी। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं कि टीचिंग के समय इन्वायरमेंट कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उचित शिक्षण सामग्री चाहिए और सुविधाओं का प्राप्त होना, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो भी टीचर पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ाना है उस हिसाब से उनके पास जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और जो भी उनको बेसिक फैसिलिटीज है वो चाहिए। तो बेसिक फैसिलिटीज में बोर्ड आ सकता है, चौक आ सकता है, स्केल आ सकता है या चाकबोर्ड आ सकता है। जैसे टीचर लर्निंग मटेरियल है तो इसके अंदर जो भी सहायक सामग्री हो, चार्टबोर्ड, ग्लोब, टीचिंग से रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़ाना है उस हिसाब से कुछ मॉडल हो, फैसिलिटीज में आपको बोर्ड हो गया, कुछ भी हो, बोर्ड हो, चौक हो, मतलब कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी सामग्री यूज करना हो तो उसका अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, उस फैसिलिटी का होना जरूरी है, तभी शिक्षण अधिगम वातावरण अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से संपूर्ण हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण अधिगम वातावरण को पूर्ण करने में। उसके बाद जो लास्ट बिंदु है वो है शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण। ये बात भी सही है कि अगर शिक्षण अधिगम का कार्य चल रहा हो, शिक्षा आदान प्रदान का कार्य चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां, यहाँ पे उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण, यानी कि सिचुएशन क्या होना चाहिए जिससे शिक्षण अधिगम वातावरण पूर्ण हो पाए और उसके इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा उपयुक्त परिस्थिति होना चाहिए जिससे कि शिक्षण अधिगम वातावरण को अच्छा किया जा सके। तो जो तीसरा बिंदु है वो शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण, यानी कि सिचुएशन और इन्वायरमेंट, कि कैसा सिचुएशन होना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय में ताकि सीखने और सिखाने का जो कार्य है वो संपूर्ण ढंग से हो सके। तो उसे हम बिंदुवार समझेंगे जिससे पता चल जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए ये सब काम भी आवश्यक है। तो पहला जो बिंदु है वह है कि शिक्षण अधिगम के समय, द टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम के समय उचित बैठने, खड़ा होने तथा कार्य करने की व्यवस्था, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय बच्चों के या शिक्षक के उचित बैठने, उचित खड़े होने और कार्य करने की व्यवस्था के लिए जगह का होना सबसे आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी संपूर्ण हो पाएगा, तभी पूर्ण हो पाएगा जबकि क्लासरूम में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिस जगह पे हो रहा है वहां पे उचित जगह की व्यवस्था हो, जहां बैठने का या खड़ा होने का या अपना कोई भी काम करने का उचित व्यवस्था किया जा सके। दूसरा जो है वो है पूर्ण शांत और कोलाहल शून्य वातावरण। पूर्ण शांत से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि पूर्ण शांत मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, और कोलाहल पूर्ण शून्य वातावरण, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे कम से कम आवाज भी ना जाए, वैसा जगह का वातावरण निर्माण करना जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छे तरीके से संपूर्ण हो सके। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है वह है ध्यान में विघ्न डालने वाले सभी संभावित बातों पर उचित नियंत्रण, यानी कि
हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय में ऐसा कोई भी बात हो जो कंसंट्रेट नहीं करने दे बच्चों को पढ़ने में या टीचर को पढ़ाने में, तो उन सारे बातों को, उन सारे संभावित बातों पर उचित नियंत्रण का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है अध्यापक निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार, यानी कि एक टीचर का जो व्यवहार होना चाहिए वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी बच्चे को ज्यादा फेवर करना या किसी बच्चे को कम फेवर करना या किसी बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना या किसी बच्चे पर कम ध्यान देना ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को समान रूप से ध्यान देना चाहिए और सहयोगपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जहां बच्चे भी अपना जो भी कठिनाई है वो अपने टीचर को बता सके। उसके बाद है स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर, यानी कि टीचिंग लर्निंग के समय हमेशा एक स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण कंपटीशन का होना आवश्यक है, और स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण कंपटीशन जब होगा तो बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को आगे करने के लिए कार्य करेंगे। उसके बाद है घर का उपयुक्त एवं सहयोगपूर्ण वातावरण, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं घर परिवार भी शामिल है, और घर परिवार का जो आपसी वातावरण है वो हमेशा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न ना हो और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके। उसके बाद है जो लास्ट, विद्यार्थी अध्यापकों के बीच उचित अंतःक्रिया एवं सहयोगपूर्ण या सौहार्दपूर्ण वातावरण। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी अंतःक्रिया हो रहा है वो हमेशा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, एक अच्छे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए, ताकि बच्चे फ्री टाइम में अपना मनोरंजन का कार्य पूरा करें और अपने माइंड को शार्प करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पहला टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और डिस्कस कर लिया कि शिक्षण अधिगम वातावरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे हैं, क्या क्या समझे, क्या क्या पढ़े हैं, और आशा करता हूं कि किसी को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।